राजा भाई आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सर राजा भाई आपसे एक क्वेश्चन लास्ट है मेरा, हमको लगता है ऊपर वाला आपको कामयाबी दे और हम सबकी कामयाबी है, सबकी कामी हो, और ये जो लोग आपके साथ जुड़े हैं और उन लोग को आप क्या थैंक यू बोलना चाहते हैं और कौन कौन लोग जुड़ना चाहते हैं और कहां कहां तक बात आपकी पहुंची है ये और गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं मेरे जितनी एसोसिएशन है, फेडरेशन की जितनी एफिलिएट एसोसिएशन है, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं इसमें किसी को डिवाइड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सर भले ही उनके पदाधिकारी डिवाइड है, पदाधिकारी कुछ एसोसिएशनों के नहीं आए, लेकिन उनके वर्कर यहाँ आए सर, वो तकलीफ में है, असिस्टेंट्स जो है उनके वो तकलीफ में, वो यहाँ आए। और मैं इसी माध्यम से मेरे जो गवर्नमेंट में मेरे जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट आज MP है, MLA है, काफ़ी लोग बैठे हुए, स्मृति ईरानी जी है, हमारे मनोज तिवारी जी है, परेश रावल जी है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आओ, इन वर्करों का दुख देखो, दर्द देखो, इन वर्करों के दिल में झांक के देखो कि आखिर मांग क्या रहे, क्या मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सर यहाँ अगर मौत होती है हमारे वर्करों की, तो हमारे को उनकी लाश या उनको कफन देने के लिए भी है ना एसोसिएशनों को आगे आना पड़ता है उनको पैसा देने के लिए। मैं ये बोलता हूँ कि सर हमारा हक नहीं है कि हम हमारी खुद पैरों पे, हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाने के बजाय हम खुद पैरों पर खड़े के हमारे बच्चों की सही तालीम करें। कई बार तो ऐसा होता है हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, इधर काफ़ी स्पॉट बॉयज हैं, वो दूसरों से भीख मांगते हैं कि मेरे बच्चे की फीस भरनी है, मेरे बच्चों को एडमिशन कराना है, मेरे बच्चों के लिए मेरे को डोनेशन देना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या हमारा हक नहीं है जब हम तुम्हारे को इतना अच्छे गुलदस्ते में सजाते हैं? सर हम और तुम अलग कहाँ है सर, बताइए तो सर। आप हमारी वजह से, हम तुम्हारी वजह से, कहीं ना कहीं हमारा चोली दामन का साथ है सर, वो साथ को ना तोड़िए प्लीज़। हम हमारी मजबूरी है सर, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारी शिफ्टें खोने के लिए, हम लोग शिफ्ट के लिए बैठे, हम लॉस होंगे तो हमारी 10 दिन की शिफ्ट लॉस होगी, पर आप अपना नुकसान के लिए सोचिए सर, आपका नुकसान भी हमारा नुकसान है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मानिए, आप बैठिए टेबल पे, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व ऑन द टेबल। पाकिस्तान इंडिया बड़े बड़े मसले, चीन बॉर्डर के मसले टेबल पे सॉल्व होते, तो क्या हमारा छोटा बड़ा मसला टेबल पे सॉल्व नहीं होगा? और सर हमारी कौन सी मांग आपको नाजायज लग रही है, हमारी कौन सी मांग आपको नाजायज लग रही है? आप ये तो बताइए कि आप ये चीज मांग, ये मांग आपकी नाजायज है, आप ये मांग रहे सर। आपने एक आवाज की थी 2015 में और हमारी काफी एसोसिएशन ने हमारी चेक पोस्ट के बाहर की शिफ्ट छोड़ दी थी। आप ये सोचिए कि आपको पर इन लोगों का कितना भरोसा था। आज कुछ हमारे प्रोड्यूसर बोलते हैं अरे नहीं नहीं वो तो हमने जल्दबाजी में फैसला किया था। सर जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है जिसमें हजारों लाखों, आपको याद लिख रहे हैं 25,000 वर्कर सर, लेकिन 25,000 के घर में अगर 5 आदमी का कैलकुलेशन करो तो सर आप सोचोगे कि इनके घर में कितने जोड़ने के घर में 1,25,000 लोगों के घर में रोटी नहीं जा रही है। तो आप ये सोचोगे 1,25,000 फैमिलियाँ आपकी वजह से सफ़र कर रही है, उनकी बददुआ मत लीजिए सर, उनको उनका ऐसा काम कीजिए कि वो दुआ दें आपको। और आपके कई प्रोड्यूसर भाई जो आपके साथ टेबल पे बैठते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं, वो दुआओं का काम कर रहे हैं सर। उन्होंने अपने अपने फाउंडेशन बना रखे हैं, वो अपने अपने कई अच्छे अच्छे तरीकों से अपने वर्कर को हेल्प कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सर आप ये इन चीज़ों में रोड़ा क्यों बन रहे हैं, आप क्यों अटक रहे हैं? आप भी आगे आओ, आप भी वर्कर के लिए बैठो, आप बैठो। आपको क्या लगता है कि कौन सी मांग नाजायज और जायज़ है? क्या हम तुम्हारे साथ काम करते हैं कैसे करना हमें नहीं पता चलेगा क्या? है भाई ये गलत चीज़ है, चलो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, ये गलत है तो चलो इसको हम इकट्ठा नोवर कर दें। पर आप कहीं दो, कहीं हम दे, कहीं आप दे, आपने हमें दिया था तो हमने आपको कितना बड़ा तोहफा दिया सर। ये हमारी कई एसोसिएशनें थी, 6 एसोसिएशनों ने जो फील्ड वर्क पर काम करती थी, डांसर, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, महिला कलाकार संघ और ऐसी काफ़ी एसोसिएशनों ने, एलाइड मजदूर यूनियन, आपको इतना बड़ा तोहफा दिया था कि उन्होंने एक आवाज़ पे आपके डेढ़ वन एंड हाफ शिप छोड़ दी। और आज कई लोगों ने फिर सर आपने अपनी वादा खिलाफी की, तो उन्होंने भी फिर सोचा कि जब वादा खिलाफी हो गई है तो हम क्यों ना करें, हमने भी उन्होंने भी लेना शुरू किया। लेकिन आज कई ऐसे एसोसिएशन हैं सर जो आपके आपके बात का, आपकी जवान का इंतजार कर रही है। आप आइए, बैठिए, उनसे बोलिए, आपका दुख बताइए, हमारा दुख सुनिए, एक दूसरे के अगर हम बांटेंगे तो दोनों के दिल के दर्द कम होंगे सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, थैंक यू वेरी मच।